नमो संस्कृत आय मित्रों मैं डॉक्टर तनवी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस फॉर संस्कृत में एक बार फिर आप सभी का कर स्वागत करती हूं आज की क्लास में हम लेकर आए हैं साहित्य समीक्षा के प्रमुख सिद्धांत तो साहित्य समीक्षा के जो सिद्धांत हैं ये आपके एग्जाम में पूछता है तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ से बहुत सारे प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं तो आज का यही टॉपिक है साहित्य समीक्षा के प्रमुख सिद्धांत तो हम जितने भी सिद्धांत हैं साहित्य के उनको एक एक करके देखेंगे तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं तो टॉपिक है साहित्य समीक्षा के प्रमुख सिद्धांत तो चलिए देखते हैं आज हम थोड़ा हाईलाइट करके पढ़ेंगे चीजों को काव्य शास्त्र का ही एक नाम साहित्य शास्त्र है आधुनिक युग में अन्य सब नामों की अपेक्षा यह नाम अधिक प्रचलित है राजशेखर ने तो इसे साहित्य विद्या नाम से अभिहित किया है साहित्य शास्त्र का प्रमुख तत्व आत्म तत्व है प्राचीन आचार्य इसी आत्म तत्व के चिंतन में सक्रिय रहे हैं और अपने अपने चिंतन के आधार पर अलग अलग रूपों में अवलोकन करते रहे इस प्रकार विभिन्न आचार्यों द्वारा काव्य के विभिन्न तत्वों का काव्यात्म रूप में दर्शन के कारण छह संप्रदायों अथवा सिद्धांतों का जन्म हुआ इस प्रकार साहित्य शास्त्र के प्रमुख छह सिद्धांत बन गए तो अब एक एक करके सिद्धांत देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो काव्यात्म रूप में दर्शन हुआ उसके कारण छह संप्रदायों और अथवा सिद्धांतों का जन्म हुआ और साहित्य शास्त्र के मुख्य छह सिद्धांत या संप्रदाय बन गए तो पहला है रस संप्रदाय दूसरा है अलंकार संप्रदाय तीसरा है रीति संप्रदाय चौथा है वक्रूपी संप्रदाय पांचवा है ध्वनि संप्रदाय और छठवां है औचित्य संप्रदाय तो इन छह संप्रदायों को हम बारी बारी करके देखेंगे यहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे रस संप्रदाय इसके आचार्य हैं भरत इस संप्रदाय के प्रथम आचार्य भरत माने जाते हैं राजशेखर नंदिकेश्वर को रस का मूल व्याख्याता मानते हैं किंतु उनका कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है आचार्य भरत की दृष्टि में साहित्य रचना के लिए रस इतना महत्वपूर्ण है कि उसके बिना कोई अर्थ ही नहीं होता। विभाव अनुभाव और भाव ही रस के निष्पादक होते हैं नहीं रसाद्रते, नहीं रसाद्रते ही प्रवर्तते, विभावानुभाव अर्थ संयोगाद रस निष्पत्ति न ही यह रस सूत्र यह रस सूत्र ही रस सिद्धांत का प्राणभूत है तो यह जो रस सूत्र है यही रस सिद्धांत का प्राणभूत है भारत के रस सिद्धांत के इस सूत्र में संयोग और निष्पत्ति शब्दों की व्याख्या में बड़ा मतभेद है जिसके परिणाम स्वरूप अनेक सिद्धांतों का जन्म हुआ भट्ट लोलट शंकुक भट्ट नायक और अभिनव गुप्त ही भरत के रस सूत्र के प्रमुख व्याख्याकार हैं। अब यहाँ से प्रश्न बनता है जितने ये वाद हैं, इनके किसका किसका मत है यहाँ से प्रश्न बनता है इसको आप रट लीजिएगा तो सबसे पहले भट्ट लोलट के मत को उत्पत्तिवाद कहते हैं त्रीशंकुक के मत को अनुमितिवाद कहते हैं भट्ट नायक के मत को भुक्तिवाद कहते हैं और अभिनव गुप्त के मत को अभिव्यक्तिवाद के नाम से जानते हैं तो भल भट्ट लोलट का मत है उत्पत्तिवाद श्रीशंकुक का मत अनुमितिवाद है भट्ट नायक का मत भुक्तिवाद है अभिनव गुप्त का मत अभिव्यक्तिवाद के नाम से प्रसिद्ध है आचार्य मम्मट भी अभिनव गुप्त के अभिव्यक्तिवाद का समर्थन करते हैं काव्याश्रित रस के संबंध में प्रथम बार व्याख्या अग्निपुराण में हुई आचार्य भरत आठ रसों को ही स्वीकार करते हैं ये भी पूछता है अष्टौनाट्य रसाह स्मृता तो यहाँ पे ये हटा देता है अष्टव और लिख देता है नाट्य रसा स्मृता और यहाँ पे संख्या भी दे व्यक्ति है नौ दस आठ सात तो आपको ये लाइन याद होनी चाहिए अष्टव नाट्य रसा स्मृता आचार्य भरत आठ रसों को ही स्वीकार करते हैं भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र के छठे अध्याय में रस तथा सातवें अध्याय में अस्थाई भावों का विस्तार से वर्णन किया है वही रस सिद्धांत का आधार है तो इसके प्रवर्तक हैं आचार्य भरत और समर्थक हैं शारदा तनय सिंग भूपाल भानुदत्त रूप गोस्वामी भोजराज विश्वनाथ राजशेखर केशव मिश्र आदि तो प्रवर्तक का नाम ही ज्यादा पूछता है और इसमें से कुछ कुछ मुख्य का नाम भी पूछ देता है समर्थक में या पूछ देगा कि कौन किसके समर्थक हैं तो अब हम आ जाते हैं आ, अगला हमारा आ, संप्रदाय है अलंकार संप्रदाय और ये है आचार्य भामह का ठीक अब इसको हम लोग देखेंगे तो देखिए रस संप्रदाय के बाद दूसरा स्थान अलंकार संप्रदाय का आता है तो इसका सीक्वेंस भी आपको याद रखना है रस संप्रदाय के बाद कौन सा संप्रदाय आता है अलंकार संप्रदाय आचार्य भामह इस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं अलंकार संप्रदाय के अनुयायी भी रस की सत्ता मानते हैं किंतु उसे प्रधानता नहीं देते उनके मत में काव्य का प्राणभूत जीवनधायक तत्व अलंकार ही है रशित स्पष्ट श्रृंगारादारादि रस यथा रसव दर्शित स्पष्ट श्रृंगारादि रस यथा ये भामा ने काव्य अलंकार में कहा अलंकार संप्रदायवादी काव्य में अलंकारों को ही प्रधान मानते हैं और इसका अंतर्भाव रसवद अलंकारों में करते हैं रसवत प्रेय ऊर्जस्वीन और समाहित रसवत प्रेय रसवत प्रेय ऊर्जस्वीन और समाहित चार प्रकार के रसवद अलंकार माने जाते हैं भामा के अतिरिक्त दंडी भी इन रसवद अलंकारों के भीतर ही रस का अंतर्भाव करते हैं मधुरे रसवद्वाची मधुरे रस, रस, रस स्थिति, दंडी का इस की भी व्याख्या अग्निपुराण में मिलती है जयदेव के अनुसार अलंकार विहीन काव्य की कल्पना वैसी ही है जैसे उष्णता विहीन अग्नि की कल्पना सर्वप्रथम भरत ने चार अलंकारों उपमा रूपक दीपक यमक का उल्लेख किया तो पूछ देता है भरत कौन कौन से अलंकारों को मानते हैं तो उपमा रूपक दीपक यमक अग्नि पुराण ने पुराणकार ने तेईस अलंकारों को स्वीकार किया है ये संख्या आपको याद करनी बहुत जरूरी है भामा ने अड़तीस अलंकारों का विवेचन किया है उद्भट ने इकतालीस अलंकार माने हैं रुद्रट ने अड़सठ अलंकारों का निरूपण किया है और भोज ने बहत्तर अलंकारों को स्वीकार किया है मम्मट सड़सठ अलंकारों का उल्लेख करते हैं छह है शब्द अलंकार और इकसठ अर्थ अलंकार रुअक और विश्वनाथ ने अठहत्तर अलंकारों को स्वीकार किया है जयदेव अपने चंद्रालोक में सौ अलंकार मानते हैं अपै दीक्षित ने कुलयानंद में एक सौ बीस अलंकारों का विवेचन किया है अब इस संप्रदाय के समर्थक देख लीजिए कौन कौन है इस संप्रदाय के समर्थकों में दंडी उद्भट रुद्रट जयदेव अपित पंडित राज जगन्नाथ तथा विश्वेश्वर पांडे आदि प्रमुख हैं। अब हम देखेंगे अगला संप्रदाय यानी तीसरा जिसका नाम है रीति संप्रदाय इसके प्रवर्तक है आचार्य वामन अब इसके बारे में हम देखेंगे कालक्रम में अलंकार संप्रदाय के बाद रीति संप्रदाय का स्थान आता है रीति संप्रदाय के संस्थापक आचार्य वामन हैं। वामन ने काव्य में अलंकार की प्रधानता के स्थान पर रीति की प्रधानता का प्रतिपादन किया है यह आचार्य वामन का सिद्धांत है इसलिए उन्हें रीति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है इन्होंने रीति को इस प्रकार बताया है विशिष्ट पद रचना रीति अर्थात विशिष्ट पद रचना का नाम रीति है वाक्य में आए विशिष्ट शब्द की व्याख्या विशेषो गुणात्मा है इस प्रकार काव्य में माधुर्य आदि गुणों का समावेश उसकी विशेषता है और यह विशेषता ही रीति है इस सिद्धांत में गुण और रीति का अत्यंत घनिष्ठ संबंध है इसलिए रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है तो ये लाइन आपको याद रखनी है कि रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है वामन ने निम्न दो सूत्रों के माध्यम से गुण और अलंकार का भेद स्पष्ट किया है तथा अलंकार के अपेक्षा गुड़ को अधिक महत्व दिया है सूत्र संख्या एक काव्य शोभाया कर्तारो करता गुणा और दूसरे में कहा है काव्य काव्यलंकार सूत्र तीन एक दो गुड़ काव्य शोभा के उत्पादक होते हैं तथा अलंकार केवल उस शोभा के अभिवर्धक होते हैं अतः काव्य में अलंकारों की अपेक्षा गुणों का स्थान अधिक महत्वपूर्ण है राजशेखर ने रीति का सर्वप्रथम अधिकारी सुवर्ण नाभ को बताया किंतु सुवर्ण नाभ कौन थे उनकी रचना कौन सी है इसके बारे में कुछ पता नहीं है रीति का व्यापक अर्थ लेने पर वेदों में भी रीति की झलक दिखाई देती है रीति का शास्त्रीय विवेचन भरत के नाट्य शास्त्र से प्रारंभ होता है रीति के चार भेद स्वीकार किए गए हैं वैदर्भी रीति गौड़ी रीति पांचाली रीति और लाठी रीति ये संख्या भी पूछ देता है रीति एक रचना शैली है जिसके अंतर्गत रस गुण अलंकार आदि समाविष्ट है अब हम देखेंगे अगला संप्रदाय जिसका नाम है वक्रोक्ति संप्रदाय इसके प्रवर्तक है आचार्य कुंतक तो चलिए देखते हैं काल क्रमानुसार रीति के बाद वक्रोक्ति संप्रदाय आता है वक्रोक्ति संप्रदाय के संस्थापक वक्रोक्ति जीवितकार आचार्य कुंतक माने जाते हैं आचार्य कुंतक ने काव्य में रीति की प्रधानता को समाप्त कर वक्रोक्ति की प्रधानता को स्थापित किया यद्यपि काव्य में वक्रोक्ति की महत्ता भामा ने भी स्वीकार किया है सैशा सर्वेव वक्रोक्तिरनयाथो विभाव्यते अस्या कविना कार्य अलंकारो अनया बिना काव्य अलंकार दंडी ने काव्य में वक्रोक्ति का महत्व इस प्रकार वर्णित किया है भिन्नम द्विधा स्वभावोक्तिर वक्रोक्तिश्चेति वांगमय आचार्य वामन ने भी काव्य में वक्रोक्ति का स्थान माना है सा दृश्यलक्षणा वक्रोक्ति काव्यालंकार सूत्र तथापि इन आचार्यों के मत से वक्रोक्ति सामान्य अलंकार आदि रूप ही है आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को जो गौरव प्रदान किया है वह गौरव इन आचार्यों ने नहीं दिया है इसलिए कुंतक ही इस संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं आचार्य कुंतक ने इस सिद्धांत के ऊपर भी वक्रोक्ति जीवित नामक विशाल एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की है आचार्य कुंतक ने रीति संप्रदाय को परिमार्जित करके अपने यहाँ की आदि देश भेद के आधार पर मानी जाती किंतु कुंतक ने उनका आधार देश को न मानकर रचना शैली को माना है और उनके रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया है आचार्य कुंतक वामन की वैदर्भी रीति को सुकुमार मार्ग गौड़ी रीति को विचित्र मार्ग तथा पांचाली रीति को मध्यम मार्ग कहते हैं तो ये आप ध्यान रखिएगा कि कुंतक वामन की वैदर्भी रीति को सुकुमार मार्ग गौड़ी रीति को विचित्र मार्ग और वैशा पांचाली रीति को मध्यम मार्ग कहते हैं तो कभी कभी पूछ देता है सुकुमार मार्ग किसको कहते हैं विचित्र मार्ग किसको कहते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि सुकुमार मार्ग वैदर्भी को कहेंगे विचित्र मार्ग गौड़ी को कहेंगे और मध्यम मार्ग पांचाली रीति को कहेंगे तो आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति छह प्रकार की है वर्ण विन्यास वक्रता पद वक्रता पदोत्तरार्ध वक्रता प्रकरण वक्रता प्रबंध वक्रता अतः उक्ति वैचित्र के आधार पर कुंतक का यह वक्रोक्ति सिद्धांत अलंकार सिद्धांत की ही एक शाखा है अगला संप्रदाय है ध्वनि संप्रदाय यानी पांचवा संप्रदाय है ध्वनि संप्रदाय और इसकी प्रवर्तक है आचार्य आनंदवर्धन वक्रोक्ति संप्रदाय के बाद ध्वनि संप्रदाय का उदय हुआ इस संप्रदाय के संस्थापक आचार्य आनंदवर्धन जाते हैं आनंदवर्धन के मत में काव्य की आत्मा ध्वनि है काव्य से आत्मा ध्वनि रति बुधर्य समामनात पूर्व है सभी संप्रदायों में ध्वनि संप्रदाय सबसे प्रबल एवं महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है विद्वानों के अत्यंत विरोध पर भी ध्वनि सिद्धांत वैसे ही प्रफुल्लित रहा है ध्वनि सिद्धांत के विरोधी समूह में वैयाकरण साहित्यिक वेदांति मीमांसक आदि प्रमुख है आचार्य मम्मट ने विरोधियों का खंडन करके ध्वनि सिद्धांत की पुनः स्थापना की इसलिए मम्मट को ध्वनि प्रतिष्ठापक परमाचार्य कहा जाता है आनंदवर्धन ने आत्मा का अर्थ तत्व किया है और तत्व का अर्थ है जिसके स्वरूप का कभी बाध न काव्य का वह आत्मस्थानी अर्थ प्रतीयमान कहलाता है यही प्रतीयमान अर्थ काव्य की आत्मा है इनके अनुसार प्रतीयमान अर्थ वह है जो अंगना के प्रसिद्ध अवयवों से भिन्न लावण्य के समान महाकवियों की वाणी में वाच्यार्थ से भिन्न भाषित होता है सहृदय जनों को यही अर्थ आनंदित करता है पुनरन्यदेव वसत्वस्तीवाणीषु महाकविना प्रसिद्धा वय वातिरिक्त विभाति लावण्य मिवांगनासु ध्वनियालोक एक चार यह प्रतिमान अर्थ ध्वन्यर्थ वांग, है यह प्रतिमान अर्थ ध्वन्यर्थ या व्यंग्यार्थ है जो तीन प्रकार से होता है रसादी रूप में अलंकार रूप में और वस्तु रूप में एव अलंकार रस भेदेन त्रिधा ध्वनि इसमें वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि की अपेक्षा रस ध्वनि श्रेष्ठ है और यही काव्य की आत्मा है आनंद वर्धन के अनुयायी अभिनव गुप्त भी रस ध्वनि को काव्य की आत्मा स्वीकारते हैं सर्वत्र ध्वन सर्वत्र रस ध्वनि भाव और ध्वनि संप्रदाय के समर्थक देख लीजिए इस सिद्धांत के समर्थक हैं रुयक मम्मट अभिनवगुप्त और पंडित राज जगन्नाथ अगला संप्रदाय है छठवां औचित्य संप्रदाय और इसके प्रवर्तक हैं आचार्य छेमेंद्र औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य छेमेंद्र माने जाते हैं उन्होंने औचित्य को काव्य का जीवित तत्व कहा है औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम इसी आधार पर छेमेंद्र को औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है किंतु उनके पहले भी इस पर विचार हो चुका था सर्वप्रथम भरत के नाट्य शास्त्र में औचित्य की चर्चा की गई है भरत के पश्चात भामा ने औचित्य को काव्य का सबसे बड़ा गुड़ बताया है दंडी ने भी गुण दोष के विधान में औचित्य और अनौचित्य के कारण स्वीकार किया है रुद्रट ने अनौचित्य को सर्वाधिक महत्व दिया है उनके अनुसार रस का उन्मेष परम रहस्य औचित्य है और अनौचित्य ही रसभंग का प्रधान कारण है अनौचित्यादृत ना नान्यद रसभंगस्य से कारण महीम भट्ट ने काव्य में औचित्य को अनिवार्य तत्व तो बताया है आचार्य क्षेमेंद्र औचित्य को परिभाषित करते हुए कहते हैं जो वस्तु जिसके अनुरूप होती है उसे उचित कहते हैं और उचित का जो भाव है, वह औचित्य कहलाता है उचितम प्रहुराचार्य सदृशम किल यसे यो भावस तदौचित्यम प्रचक्षते औचित्य विचार चर्चा में यह है यह औचित्य ही रस का जीवित भूत है उसका प्राण है और काव्य में चमत्कारी तत्व है औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्य से जीवितम छेमेंद्र के अनुसार अलंकारों में अलंकारत्व तो तभी होता है जबकि उनका विन्यास उचित स्थान पर होता है और गुणों में गुणत्व तभी होता है जबकि औचित्य से च्युत नहीं होते हैं उचित स्थान विन्यासाद औचित लंकृति आचि, औचित चिता नित्यम भवत्तेव गुणा गुणा औचित्य विचार चर्चा छेमेंद्र ने औचित्य विचार चर्चा में औचित्य के 27 भेदों का निरूपण किया है किंतु काव्य के प्रत्येक अंकों में औचित्य के व्याप्त होने के कारण उसके अनेक भेद हो सकते हैं तो आज की क्लास में हमने साहित्य समीक्षा के प्रमुख सिद्धांतों को देखा जिसमें छह सिद्धांत रस संप्रदाय अलंकार संप्रदाय रीति संप्रदाय बकरोक्ति संप्रदाय ध्वनि संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय के बारे में जाना ये सारे संप्रदाय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसका सामान्य परिचय ही आपको जानना है अः इसके इसको आपको याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और ज्यादातर बच्चों को लगता है कि ये आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन ये सिलेबस में ही है अः ये सीधे सीधे प्रश्न बन जाता है रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है तो जितना भी इस आज की क्लास में पढ़ाया गया है वो एक एक लाइन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तो या तो इसका इसको याद कर लीजिए यहीं से या तो इसका नोट्स बना के आप लोग याद कर लीजिएगा एग्जाम में यहाँ से दो से चार प्रश्न बनने ही बनने हैं तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगली क्लास में तब तक के लिए नमः संस्कृताय धन्यवाद